इस सीरीज को आईएमडीबी के ऊपर 9 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग उन्हीं में से हो जिसने इस सीरीज को 9 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग दी है, तो देखो यार ये वीडियो अपने ही रिस्क पर देखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी दर्ददायक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डार्क 7 व्हाइट वेब सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड है और इसे G5 पर रिलीज किया गया है। इसके अंदर कास्ट है सुमित व्यास, निधि सिंह, जतिन सरना और बाकी बहुत सारे अन्य कलाकार हैं। जब आप ये सीरीज देखोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये सीरीज स्टार्ट होती है तो इसमें एक युद्धवीर नाम का एक इंसान दिखाया जाता है जो सीएम बनने वाला है राजस्थान का, और जैसे ही वो अपनी शपथ समारोह के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब ये मर्डर कौन करता है, इसका रहस्य के लिए मतलब इसके साथ ही साथ फ्लैशबैक में कहानी चलाई जाती है कि युद्धवीर सिंह कौन था, वो ये सीएम बनने के पद तक कैसे पहुंचा, साथ ही साथ उसके जो कॉलेज के फ्रेंड हैं उनका इंट्रोडक्शन वहां पर दिया जाता है, और कैसे युद्धवीर शुरुआत में अपने दोस्तों का फायदा उठाता है कॉलेज इलेक्शन जीतने के लिए, अपने दोस्तों को ही वो मार देता है, उनको ही परेशानी के अंदर डाल देता है। तो ये सब आपको शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। वैसे युद्धवीर है तो राजा महाराजाओं की औलाद, लेकिन एक इंस्पेक्टर उसको एक थप्पड़ मार देता है, तब उसको अपनी औकात का पता चलता है कि भाई साहब ये राजा महाराजाओं वाली अब टाइम चला गया है, अब टाइम कुछ और का है, पॉलिटिक्स के अंदर पावर है। तो तब से इसको क्रेज चढ़ता है कि यार मुझे तो सीएम बनना है, तब इसकी शुरुआत वहां से दिखाई गई है। तो इस सीरीज की कहानी कभी फ्लैशबैक में कभी प्रेजेंट में इन्हीं दो डायमेंशन के अंदर चलाने लगाती रहती है। युद्धवीर के दुश्मन कौन है, इसे कौन मारना चाहता था, इन सवालों के घेरे में आते हैं इसके दोस्त, और दिखाया जाता है कि इसके दोस्त युद्धवीर से क्यों नाराज थे, क्या उसने ऐसा किया था, इन सब चीजों के लिए तो देखो आप लोगों को ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब ये सीरीज जो है वो मर्डर के ऊपर आधारित है। ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग में बिल्कुल इजीली तो आपके सामने परोस कर तो नहीं रख देंगे कि हाँ यार इसने मर्डर किया था, तुम इसको प्रिडिक्ट कर सकते थे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस चीज पर काफी खुशी हुई कि इस सीरीज के अंदर ये चीज जो बहुत अच्छे से छुपा के रख पाए कि हम बिल्कुल भी गैस ना कर पाए कि मर्डर किसने किया था, और जो इसके अंदर जो मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो बहुत ज्यादा बेसवाद है। इस सीरीज की मुझे जो अच्छी बातें लगी, एक तो ये वाली कि इसके अंदर जो सस्पेक्ट है जिसने कातिल मतलब जो कातिल है जिसने युद्धवीर का जो मर्डर किया है वो उसको छुपाने में ये अच्छे से कामयाब रहे। मैंने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि हाँ भी इसने जो है वो कत्ल किया था। दूसरी चीज मुझे इसके अंदर ये लगी कि जो इसके अंदर राजस्थान की जो खूबसूरती दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा कमाल की। इन दो बातों के अलावा इस सीरीज में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं इसके कैरेक्टर की बात करूं तो इसके कैरेक्टर इतने ज्यादा इंटरेक्टिव है ही नहीं कि हम उनसे कनेक्ट हो पाए। और जो इसके लास्ट में जो राज खुलता है, किसने युद्धवीर को मारा है, कौन कातिल है, जो रीजन दिया जाता है, यार कोई इतना हैरानी करने वाला नहीं था कि हम बहुत ज्यादा सस्पेंस हो जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि यार इसने मार दिया, इस वजह से मार दिया, बिल्कुल भी नहीं होता यार। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इस चीज के ऊपर काबिले तारीफ है कि प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन कोई कातिल का पता चलने पर और रीजन जो दिया जाता है वो यार एकदम बकवास सा लगता है। और वही सेम फंडा मेकर्स का, गाली और सेक्स, ये दो चीजें हैं सीरीज के अंदर डाल दो और आपके लिए मतलब कि एकदम A1 क्वालिटी की सीरीज तैयार हो जाएगी। इवन भारत में तो भारत की जनता यही सोचती है। तो देख लो, आप लोगों को रेटिंग देख के पता चल रहा है कि 9 out of 10 स्टार इसको रेटिंग दी गई है, तो किस बेस पे दी गई है, क्योंकि इसके अंदर गाली ग्लोज हद से ज्यादा है, जो एडल्ट सीन है वो बहुत ज्यादा है। अब देखो यार, मैं कोई विरोधी नहीं हूं ये कहूं कि यार एडल्ट सीन क्यों डाल रहे हो, गाली ग्लोज क्यों कर रहे हो, तुम्हें करना है करो, लेकिन एट द सेम पॉइंट तुम्हें उसके साथ कहानी भी लिखनी चाहिए। अगर तुम यही सब चीज दिखा रहे हो तो उलू प्लेटफॉर्म कम है यार, वहां पर हद से ज्यादा सेमी पोर्न देखने को मिल जाता है। अरे नहीं, मैंने नहीं देखा है, मैंने सुना है बस, मतलब YouTube पे मैंने बस सुना है और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर तुम इस सीरीज के अगर एपिसोड की बात करो तो उस एपिसोड के हर एक एपिसोड की शुरुआत के अंदर जैसे उसका नाम रखा जाता है ना कि ये एपिसोड का क्या नाम है, तो बिल्कुल सारे जो है फक सेक्स धोखा ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ यही वाली जो इनको टाइटल मिले थे और यही इन्होंने रख रखे और यही दिखाया गया है पूरी सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी नहीं है यार, सच में यार, मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड करती है ये सीरीज। इसके मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपना माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर लिया, ऐसा बना लिया है कि हाँ भारत की जनता को तो हमें यही दिखाना है, और कहीं ना कहीं भारत की जनता इसे एक्सेप्ट भी करने लग गई है कि हाँ यार ये वाली चीज अच्छी होती है, इसके अंदर ये वाली चीज दिखाई जाएगी। तो यार जो एक बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा चीजें जो है इसके अंदर कहानियों के ऊपर फोकस नहीं जाता और बस हमारे सामने ऐसा क्रिंज तो क्या कहूं, हमारे सामने ऐसा बकवास कंटेंट पेश कर देते हैं। सीरियसली अगर तुम इस सीरीज में से गालियां और एडल्ट सीन अगर निकाल देते हो तो तुम देखो यार इस सीरीज में कुछ भी नहीं बच जाता। कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें इतना अप एंड डाउन बिल्कुल भी नहीं है, कोई आपको ये मतलब ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक आपको बांध के रख पाएगी, बिल्कुल भी नहीं रख पाते। इन्होंने वही फंडा क्रिएट करने की कोशिश की है, फिर वही कहूंगी एक चुप
चाल चलते हैं आज की डेट में जो चल पड़ी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, हमें ये अडल्ट सीन दिखाने, गाली भर भर के डालनी, तो इन्होंने वही चलाया है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। मैं यही कहूंगा कि यार कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत देखना यार, अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर इसको देखने बैठे तो बहुत ज्यादा निराशा हाथ में लगने वाली है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10 सर। अगर ये किसी ने सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। हाँ बेशक आप लोगों को अगर पसंद आई है तो मुझे पता है कि तुम लोग इसको डिसलाइक करने वाले और गाली लिखने वाले, बेशक कर सकते हो, आप मतलब एक स्वतंत्र भारत में रहते हो, आपको बेशक आजादी है अपने विचार रखने की, जैसे मुझे है, मैं अपने विचार रख रहा हूं। अगर किसी ने नहीं देखी और यहां तक रिव्यू देख चुके हो तो यार तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, देखना चाहो तो बेशक देख सकते हो अपने रिस्क के ऊपर। वैसे मैं इसे रिकमेंडेड नहीं कर सकता कि हाँ बहुत ज्यादा एक डिफरेंट स्टोरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे अप एंड डाउन, नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।